मुझे ऐसे मैंने बहुत अच्छा मूड दिखाया, बिकॉज मॉर्निंग में हमने जिस लेवल से आपको ट्रेड करने के लिए दिया था वो करीब 523 या 524 का लेवल था। इसके नीचे जो हमें कंफर्मेशन सब मिले 521.60 के आसपास के मिले। प्राइस ने देखे ब्रेकआउट दिखाया, अपसाइड की तरफ गया, कंसोलिडेट हुआ थोड़ी देर, और इसके बाद में देखिए कितनी अच्छी तरह से नीचे की तरफ गिर रहा है। एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस हमारा सीधे 511.75 का ये वाला लेवल टच कर देगा। एंड रीजन क्या था ट्रेड करने का, तो सिंपल से देखिए अंबुजा सीमेंट ने ये पूरी की पूरी एक रेंज बना करके रखी थी। प्राइस ने कल अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दे दिया था, अब अगर ये स्ट्रांग है तो यहीं से इसको अपसाइड की तरफ निकल जाना चाहिए था। प्राइस वापस से देखिए उसी रेंज में आ गया जिस रेंज का स्कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था। जैसे ही प्राइस ने इस रेंज के नीचे आकर हमें कंफर्मेशन दी, हमारा शॉर्ट सेल की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। ये अपना प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर देखिए 10:02 पर हमने अंबुजा सीमेंट को शॉर्ट सेल करने के लिए शेयर कर दिया था। एंड इसका लेवल अगर हम लोग देखेंगे तो करीब 523 एंड 524 के नीचे हमने कहा था कि शॉर्ट सेल होगा। और लाइव मार्केट में जितना हो सकता है यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश हम करते रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर नीचे लिख दिया था कि हम लोग मार्केट क्लोज होने तक होल्ड करेंगे, हम लोगों को अभी तक इसके अंदर कोई टारगेट नहीं मिला, इसलिए मार्केट क्लोज होने तक इसका वेट करेंगे। और हमारा जो टारगेट एरिया है वो 511.75 का एंट्री पॉइंट हमारा 521.60 का है। देखते हैं क्या होता है आज के मार्केट में।